नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। 25 के करीब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज डिस्कस करने वाले हैं और हर करंट से अगर किसी स्टैटिक और जीके फैक्ट्स जरूरत है तो उसे भी हम लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये दोस्तों कि आप जो है कमेंट करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको ये करना है पूरा वीडियो देखने के बाद कि क्या आपको वीडियो में समझ में आया या फिर नहीं, करंट अफेयर्स आपको याद हुए या फिर नहीं, और जो भी मेरा करंट अफेयर्स बताने का तरीका, समझाने का तरीका है, आपको सही लगता है या फिर नहीं। आपका फीडबैक बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियोस को लाइक किया हुआ है बट आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता कि हम लोग सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या फिर नहीं। कोई भी फीडबैक आपका होगा उसे हम ज़रूर लेते हैं। कोई भी कमेंट यहाँ पर डिलीट नहीं किया जाता है। आपके हर कमेंट को हम कंसीडर करते हैं और जो भी चेंजेस आप लोग बताएंगे, अगर हमें लगता है कि हमारे वीडियोस को और भी इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल बना सकता है तो उसे हम लोग ज़रूर यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। और अगर आपको पूरी तरह समझ में आता है तो वो भी कमेंट कीजिएगा। बस यही है आज की रिक्वेस्ट और बिना देर किए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर करंट अफेयर्स है कि सोरेनस्टीन पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म अवार्ड 2017 का किसे मिला। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सिद्धार्थ वरदराजन को। ये रहा इसका आंसर इस क्वेश्चन का। और यहाँ पर सोरेनस्टीन पुरस्कार के बारे में जान लीजिए कि जर्नलिज्म का अवार्ड है एक चीज़, और ये दिया जाता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, और किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको जानना जरूरी है किसी भी पत्रकारिता या फिर किसी भी पुरस्कार के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जान लीजिए कि ये पत्रकारिता का पुरस्कार जो है दिया जाता है एशिया पैसिफिक क्षेत्र के पत्रकारों को, ऐसे पत्रकारों को दिया जाता है जो कि हेल्प करते हैं अमेरिकन्स को वहाँ की पॉलिसी वगैरह समझने के लिए। ऐसी पत्रकारिता करते हैं जो अमेरिकन्स को समझा सके कि वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या पॉलिसीज चल रही हैं एशिया पैसिफिक के क्षेत्र में। तो दोस्तों, इससे डायरेक्टली आपको शायद क्वेश्चन ना देखने को मिले तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, सिद्धार्थ वरदराजन के बारे में। सिद्धार्थ वरदराजन के बारे में जान लीजिए दोस्तों कि ये तो हैं एक इंडो अमेरिकन यानी कि अमेरिका की सिटीजनशिप लिए हुए हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि एक फॉर्मर एडिटर रह चुके हैं द हिंदू के, और इस समय ये द वायर के कोफाउंडर हैं और इसी द वायर के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है, सोरेनस्टीन का अवार्ड। और द वायर के बारे में एक दो चीज़ें जान लीजिए। हर स्टैटिक फैक्ट्स को यहाँ पर देखेंगे तो द वायर के बारे में जान लीजिए कि ये है एक न्यूज़ एनालिसिस की वेबसाइट है, एक वेब पोर्टल इसे कह सकते हैं, जो कि तीन भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी में, अंग्रेज़ी में और उर्दू में। ये अपने आप में यूनिक है द वायर, क्योंकि उर्दू में भी ये कुछ न्यूज़ पब्लिश करता है और उर्दू में जनरली आपको वेब पोर्टल्स कम ही देखने को मिलते हैं, इस वजह से अपने आप में थोड़ा सा यूनिक है। और द वायर डॉट इन इनका पोर्टल है और इनका यूट्यूब चैनल भी आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को $140 मिलियन का ऋण मंजूर किया। देखिए, फर्स्ट वीक के करंट में मैंने आपको बताया था कि $140 मिलियन का ऋण मंजूर हुआ है, ये नहीं बताया था कि किस प्रदेश के लिए। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य के लिए ये ऋण मंजूर हुआ है, तो इसे आप लोग ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि किस देश को पीछे करके भारत जो है वो वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल लेवल पर यात्री वाहन का चौथा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर निर्माता बन गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी को पीछे हटाकर भारत चौथे स्थान पर आ गया है। और किन देशों से पीछे है भारत इस समय? चीन से पीछे है, यानी कि चीन का पहला नंबर है, दूसरे पर अमेरिका है और तीसरे पर जापान है, और चौथे पर आता है हमारा भारत देश। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे CWG 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में, नीरज चोपड़ा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपने कॉमनवेल्थ गेम्स पर जो मैंने सेपरेट वीडियो आपको दिया था वो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देख लेना उसको। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स रिलेटेड, जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। अगर कोई एक दो फैक्ट्स यहाँ पर बच जाते हैं तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर ले लिए हैं। पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पर कि आयुष्मान भारत के तहत पहले स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया। और एक क्वेश्चन यहीं पर से इसी में से इसी फैक्ट्स में से बन सकता है कि किसने किया आयुष्मान भारत के तहत पहले स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन। इसका आंसर होगा दोस्तों कि बीजापुर में छत्तीसगढ़ में उद्घाटन हुआ, और किसने किया? हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने किया। आयुष्मान भारत के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर जानेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, बहुत फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पर जानेंगे इस योजना के बारे में। पहली बात तो ये दोस्तों कि इसमें 5 लाख तक का बीमा कवर दिया जाना है। किनको दिया जाना है? गरीब परिवार के लोगों को दिया जाना है, बेलो पॉवर्टी लाइन BPL परिवार के लोगों को दिया जाना है।
5 लाख तक का बीमा कवर और स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने हैं और जो मौजूदा स्वास्थ्य केंद्र है उनका नवीनीकरण किया जाना है, रिनोवेशन होगा और उनकी सुविधा अच्छी की जाएगी, उनकी सुविधा में सुधार किया जाएगा, इस तरह की बात है यहाँ पर। और कई बीमारियों का इलाज यहाँ पर किया जाएगा। देखिए पहले एक स्कीम थी यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा योजना वाली, उसमें 30,000 तक का दिया जाता था बीमा कवर और इसको रिप्लेस किया है आयुष्मान भारत ने। तो कुल मिलाकर ये वाली चीज़ें आप आयुष्मान भारत के बारे में ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 थे यहाँ पर कि वेब आधारित EFRRO या फिर कह सकते हैं फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की शुरुआत किसने की। इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह ने की थी, गृहमंत्री हैं और इस तरह के पोर्टल की शुरुआत की। देखिए इसमें क्या होगा, बेसिकली ये है फॉरेनर्स के लिए, फॉरेनर्स जो हैं वीज़ा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भारत का वीज़ा उन्हें कैसे मिलेगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ देने होंगी। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट निकाला है, यहाँ पर दिया हुआ है अबाउट EFRRO और इसमें पूरी तरह से बताया हुआ है कि वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। ईजिली काम होगा, कुल मिलाकर ये डिजिटली प्लेटफॉर्म है और इसमें पूरी तरह से कैशलेस फेसलेस काम होगा, यानी कि उन्हें, यानी कि फॉरेनर्स को जिन्हें भारत आना है किसी भी काम से, उन्हें वीज़ा के लिए अपने देश के रीजनल ऑफिसेस में जाने की अब ज़रूरत नहीं होगी। कुल मिलाकर यहाँ ये वाली बात है। आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन यहाँ पर कि किस राज्य ने 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया। इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि हाल ही में जनवरी में यहाँ पर नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उनका नाम क्या है। 8वां क्वेश्चन, कौन सा बैंक भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा मूल्यवान बैंक बन गया है। इसका आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कि ISA को हाल ही में किसने ज्वाइन किया है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि UK ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फाउंडर मेंबर है इंडिया, 121 से ऊपर कंट्रीज हैं, कुल मिलाकर अभी शायद 124 के करीब हो गई हैं जब से UK ने ज्वाइन किया अभी हाल में, और ये इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर इम्पॉर्टेंट है, हमारे देश में है हेडक्वार्टर, ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ बेसिकली आती हैं जिन पर सन की रेस काफ़ी डायरेक्टली पड़ती है या फिर मैक्सिमम सन की रेस पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जिन कंट्रीज़ का काफ़ी हिस्सा पड़ता है वो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन सी ऐप डाक और जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भरने के लिए लॉन्च की गई। तो सबसे पहली बात यहाँ पर दर्पण के बारे में जानेंगे क्योंकि दर्पण पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की ऐप लॉन्च हो गई है। दर्पण के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ अपनी वन लाइनर सीरीज के वीडियो में भी और काफ़ी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। दर्पण परियोजना क्या है, देखिए सबसे पहली बात कि ये 21 दिसंबर 2017 को लॉन्च हुई। किसी भी योजना के बारे में लॉन्च डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म है अगर वो उसका एक्रोनिम है तो उसका एक्रोनिम का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दर्पण का फुल फॉर्म है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिसेस फॉर अ न्यू इंडिया, तो ये रहा फुल फॉर्म। और इसकी डेडलाइन इंपॉर्टेंट है कि कब तक इसको अचीव करने वाले थे, देखिए इसको अचीव करने वाले थे मार्च 2018 तक, तो आई होप इसमें काफ़ी चीज़ें हो भी चुकी होंगी। अब दर्पण पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के ऐप के बारे में अगर बात कर लें तो ये ऐप क्या सुविधा देने वाला है, जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट में अगर आप देखोगे कि जो सुविधाएं हमें मिलती हैं उनकी ऑफिशियल इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट्स वगैरह से लगभग ऐसी ही सुविधाएं ये दर्पण पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के ऐप से मिलने वाली हैं। इस ऐप्स के माध्यम से जो है कोई भी डाकघर के ग्राहक अपनी जीवन बीमा पॉलिसी की किस्तें जमा कर सकते हैं किसी भी डाकघर पर और उसको अपडेट भी कर सकते हैं इसी ऐप के माध्यम से। तो कुल मिलाकर ये वाली बात है। और पहले क्या होता था, काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे कि यानी कि जिस डाकघर में आपका खाता या फिर आपका जीवन बीमा खुला हुआ है वहीं पर आपको प्रीमियम भरना होगा, पहले इस तरह की सुविधा नहीं थी, बट अब दर्पण PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के ऐप से ऐसी सुविधाएं मिल सकेंगी इस तरह के ग्राहकों को। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात कर लें तो सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि दादा साहब फाल्के के कुछ एक्सीलेंस अवार्ड्स दिए जाने हैं एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को, जिसमें अनुष्का शर्मा का नाम शामिल है, कृति सैनन का नाम शामिल है, कृति सैनन को रिली की बर्फी के लिए मिलेगा और अनुष्का शर्मा को बेस्ट डेब्यूटेंट प्रोड्यूसर के लिए मिलने वाला था। और यहां पर एक और नाम शामिल हो गया है अदिति राव हैदरी को, इन्हें मिलेगा सर्वश्रेष्ठ महिला अग्रणी की क्रिटिक्स की कैटेगरी में अवार्ड। और इन्हें किस फिल्म के लिए मिलेगा, इन्हें इनकी फिल्म भूमि के लिए मिलेगा जिसमें संजय दत्त भी थे। किस यूरोपीय शहर में दुनिया की सबसे लंबी विद्युत बस लाइन की शुरुआत हुई,
और इसकी शुरुआत हुई दोस्तों पेरिस में। और इस तरह के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आजकल एसएससी के एग्जाम्स में काफी पॉपुलर हैं, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर लिया हुआ है। 13वां क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने मिशन बुनियाद की शुरुआत की है, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। और मिशन बुनियाद फ्रेंड्स रिलेटेड है एलिमेंट्री एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर से झाल सुगड़ा जिले को जोड़ने के लिए एक पुल का शुभारंभ किया है, और ये दोस्तों उड़ीसा राज्य का दूसरा सबसे लंबा नदी वाला पुल होगा, और ये किस नदी पर बना हुआ है ये हमें बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, इब नदी पर बना हुआ है। इब नदी है दोस्तों महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। उड़ीसा का ये दूसरा सबसे लंबा पुल होने वाला है। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर, किस राज्य को सर्वाधिक अनुकूल फिल्म के लिए अनुकूल राज्य का पुरस्कार मिला, इस वर्ष पुरस्कार मिला दोस्तों मध्य प्रदेश को। पीआईबी से निकाली गई ये इन्फॉर्मेशन है और वहाँ बताया गया है कि इस वर्ष मध्य प्रदेश को पुरस्कार मिलेगा जब राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण होगा हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी के द्वारा 3 मई को, तो वहाँ ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाना है। और जूरी मेंबर्स थे इसमें रमेश सिप्पी, और उन्होंने इसका चयन किया है कि मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य है। फिल्म अनुकूल राज्य वही होता है दोस्तों जो फिल्म मेकिंग के लिए काफ़ी स्कोप प्रोवाइड करवाया करवाता है, एक्टर्स को प्रोड्यूसर्स को काफ़ी वहाँ पर सुविधा मिलती है फिल्म मेकिंग में, तो ऐसा पुरस्कार इस वर्ष गया मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश मैंने आपको बताया कि पीआईबी में बताया गया था, और इसमें इस पुरस्कार की घोषणा ज्यूरी के चेयरमैन के द्वारा की गई जो इस वर्ष रहे रमेश सिप्पी। 16वां देखिए यहाँ पर, भारत में अधिक जनसंख्या में विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए लाने के लिए आकर्षित करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इसका आंसर हो जाएगा स्टडी इन इंडिया। इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि स्टडी इन इंडिया .gov.in पोर्टल भी लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया दोस्तों, सबसे पहले तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने, और राज्य मानव संसाधन विकास मंत्री सत्यपाल सिंह ने इसकी घोषणा की और इसका शुभारंभ किया। तो स्टडी इन इंडिया .gov.in पोर्टल है, और इस योजना का नाम है स्टडी इन इंडिया, ये है फॉरेनर छात्रों को भारत में स्टडी के लिए आकर्षित करने के लिए। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बुक वाला क्वेश्चन है, विनिंग लाइक सचिन थिंग एंड सक्सीड लाइक तेंदुलकर, इस किताब के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र प्रभु देसाई। इसमें काफ़ी सारे सीक्रेट्स इन्होंने बताए हैं, और ये BCCI से संबंधित हैं, इस वजह से ऐसी किताबें लिखते रहते हैं। पहले ये राहुल द्रविड़ के बारे में भी लिख चुके हैं। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री का फेसबुक पेज भारत में सरकारी निकायों में सबसे ज़्यादा रैंक वाला फेसबुक पेज बना 2018 में, और काफ़ी पॉपुलर पेज रहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, और दूसरे नंबर पर वसुंधरा राजे का पेज रहा, और कुछ पैरामीटर्स पर निकाला गया था जैसे कि सबसे ज़्यादा लाइक शेयर वगैरह किसको मिलते हैं, तो ये वाला गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फेसबुक पेज को। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट SSC में कुछ भी आजकल पूछने लग गए हैं, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया है। हाल ही में एक अध्ययन में देश में सर्वाधिक वेतन मिलने वाला शहर किसे बताया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर बेंगलुरु होगा। किसने अध्ययन किया ये कभी कभी पूछ लेते हैं, तो रैंडसाइट इनसाइट्स ने किया है, रैंडसैंड इनसाइट्स ने। बेंगलुरु पहले नंबर पर आता है, दूसरे पर पुणे आता है, और यहाँ पर वार्षिक आय बताई गई है, ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये अवार्ड्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, CPO में ज़रूर पूछा जाएगा, और आगे आने वाले एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 2018 का पुलित्जर पुरस्कार अनाउंस कर दिया गया है। देखिए पुलित्जर पुरस्कार 21 कैटेगरी में दिया जाता है, बट हमें पूरी 21 कैटेगरी के पुरस्कारों का ध्यान नाम नहीं रखना होता है, हमें जो ध्यान में रखना होता है वो दो चीज़ों का होता है। सबसे पहले तो फिक्शन की कैटेगरी में कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी ड्रामा की कैटेगरी में पूछ लेते हैं, कभी न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन वगैरह में, तो जो प्रीवियस ईयर में जिस हिसाब से पूछा गया है पुलित्जर पुरस्कार के बारे में उस लिहाज से इसको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्र का पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कारों में 2018 में किसे मिला, इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स। और अगर पूछ लेता है कि मैगजीन में किसको मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्कर, पत्रिका का नाम और इसका नाम एक जैसा है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। न्यूयॉर्कर है दोस्तों पत्रिका और न्यूयॉर्क टाइम्स है अखबार, इन दोनों ने जीता पुलित्जर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्र और समाचार मैगजीन का पुरस्कार। और मीटू कैंपेन को काफ़ी इन लोगों ने दिखाया था, और इस वजह से बताया जा रहा है कि इन्होंने ये पुरस्कार जीता है।
आगे बात कर लें तो राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस वर्ष धर्मेंद्र को मिला है और वी शांताराम का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी वितरित किया गया। वो किसे मिला आप लोग सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और भी ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलेंगी। इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किस शहर में होगा, ये दोस्तों अक्टूबर के बीच रहेगा, दिल्ली में होगा। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानेंगे जब ये आयोजित किया जाएगा, अभी के लिए जानिए कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन होगा दिल्ली में। तो राष्ट्रमंडल खेल में 2018 में समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहिका कौन थी, ये मैं CWG के वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। मैरी कॉम रही थी। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहिका कौन रही, इसका आंसर हो जाएगा PV सिंधु। 2022 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में होगा, ये हम लोगों ने मिस कर दिया था CWG के वीडियो में, तो इसको ध्यान रख लें दोस्तों, इंग्लैंड में होगा। पहले कहाँ होने वाला था, डरबन में, वहाँ कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से ये नहीं हो पाएगा, अब होगा ये इंग्लैंड में। अब बात कर लेते दोस्तों और इम्पॉर्टेंट पुलित्जर प्राइज़ के बारे में, और थोड़ा सा इसके बारे में भी देखेंगे पुलित्जर पुरस्कारों के बारे में। तो देखिए पुलित्जर पुरस्कारों के बारे में देख लेते हैं कि सबसे पहले ये अवार्ड दिया जाता है 21 कैटेगरी में। मैंने आपको बताया कि 21 कैटेगरी में दिया जाता है और अचीवमेंट्स में दिया जाता है, जो लोग अचीव करते हैं न्यूज़पेपर के क्षेत्र में, मैगजीन में, ऑनलाइन जर्नलिज्म में, लिटरेचर में और म्यूज़िक कंपोजिशन में। जो हमसे मेन क्वेश्चन बनते हैं वो लिटरेचर से पूछ लेते हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह से, और कभी कदार प्ले से भी क्वेश्चन देखे गए हैं कि ड्रामा कैटेगरी में किसे मिला, तो वो वाले क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हमसे पूछते हैं और ज़रूर पूछेंगे, ये ज़रूर पूछा जाएगा कि 2018 में पुलित्ज़र फिक्शन की कैटेगरी में अवार्ड किसे गया, ये गया दोस्तों लेस नाम की नॉवेल को, और जिसके लेखक है दोस्तों एंड्रयू सैन ग्रियर। इनका नाम ध्यान रखें, इनकी नॉवेल का नाम है लेस, और ये हमसे बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। और एक और अवार्ड यहाँ पर कि ड्रामा कैटेगरी में किसे मिला, ड्रामा कैटेगरी में मिला मार्टिना मेजोक को, जो कि एक पॉलिश अमेरिकन प्ले राइटर हैं, और इनका प्ले यानी कि ड्रामा का नाम रहा कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग ड्रामा ने जीता और जिसकी लेखिका मार्टिना मेजोक, इसको ध्यान रखें आप लोग। तो फ्रेंड्स आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करना मत भूले, और अगर आप लोगों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इसका PPT PDF की फॉर्म में चाहिए तो आप लोग ये वाला ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लें, @railwayGyan इसका एड्रेस है। इसको अगर आप लोग ज्वाइन कर लोगे तो 48 घंटे बाद आपको यही वाला PPT PDF की फॉर्म में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोग कॉमेंट करना मत भूलें। सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को टैप करें, और पाएं हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री।